हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे और एग्जाम भी बहुत पास आने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे बने रहिए और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पूरा कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम रिलेटेड जरूरी है उसी को कर रहे हैं और समरी वेस्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट समरी वेस्ट कर रहे हैं, तो पूरी चीजें आपको कम से कम समय में और फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाली है। कम से कम समय में सबसे अच्छा कॉन्टेंट या फिर आपको जो जरूरतमंद जो जरूरत है, जिस चीज का समय कम देना चाहते हैं, स्कोर 60-70% करना चाहते हैं या फिर 70-80% करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पे सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो ये हमारा जो इग्नो एकेडमी है आपके लिए अच्छा सा अच्छा, मतलब कम से कम और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए हम लोग मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी नए व्यूअर्स मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, जो भी लोग आते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। और हम लोग कवर अप करने वाले हैं BHIC 131 यूनिट 4, इसका पार्ट 2। पार्ट 1 आपके पहले पार्ट में कवर अप कर लिया था हम लोगों ने, क्योंकि पार्ट 1 थोड़ा सा एक वीडियो बनाते तो बड़ा हो जाता और आपका भी समय का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट कर दिया इस चीज को, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर भी थोड़ी सी लेंदी है, तो इसी वजह से हमारा जो ये समरी है ये भी थोड़ा सा लेंदी बनने वाला है या बन गया है। इसीलिए तो हम लोग वो भी इतना भी बड़ा नहीं, अगर आप कम से कम समय में सबसे अच्छा प्रिपरेशन लेना चाहते हो तो आप सही जगह पे आए हैं, ठीक है। आपको यहीं पर सबसे बढ़िया सा जो भी है कवर अप, मतलब जो भी हम लोग कवर अप कर रहे हैं, ये सबसे कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 कवर अप करने वाले हम लोग पैलियोलिथिक पढ़ लिया था, हम लोगों ने नियोलिथिक के बारे में जानेंगे और मेसोलिथिक के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक आपका ओल्ड स्टोन एज, नियोलिथिक क्या है, न्यू स्टोन एज। देखो, न्यू मतलब न्यू, ठीक है, इसी से पता चल जाता है, न्यू स्टोन एज द फाइनल स्टेज ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अमंग प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस। इट बिगन अराउंड 10,000 BCE एंड लास्टेड टिल अराउंड 2000 BCE। तो टाइमिंग को बता दिया है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये यहाँ पे हुआ था और न्यू स्टोन एज तो मतलब ये मान के चलिए फाइनल स्टेज है, ठीक है। इसके बाद में मेसोलिथिक पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा सा मैंने आगे पीछे कर दिया क्योंकि ये आप देख लीजिएगा तो मेसोलिथिक आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको दोनों का गैपिंग नियोलिथिक जो करेंगे उसके थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो मेसोलिथिक आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको बैक में रखा। दिस एरा मार्क्स सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल टू सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। अब पहले क्या थी, नोमैडिक हंटर गैदरर की लाइफस्टाइल थी, अभी ये लोग क्या कर रहे थे, पुराने जमाने के लोग जो भी प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे वो सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज बन चुके थे थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग, क्योंकि फार्मिंग की वजह से ये ऐसा हुआ था, एनिमल डोमेस्टिकेशन की वजह से ऐसा हुआ था और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। अब जो भी स्टोन टूल थे, पॉलिश स्टोन टूल यहां पर देखते शाइनिंग सा एक बढ़िया है ना देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये देखिए शाइनिंग सा एक यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, है ना। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर इसमें कैसी थी। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, देखिए क्या क्या क्रॉप होती थी, व्हीट, बार्ली, लेग्यूम्स बिकेम वाइड स्प्रेड। दिस शिफ्ट अलाउड ह्यूमंस टू सेटल इन वन प्लेस एंड क्रिएट परमानेंट विलेजेस। अब इसी के कारण जो थी, इसी प्लांटेशन के कारण आदमी लोग सेटलमेंट परमानेंट बना रहे थे और रह रहे थे। एनिमल डोमेस्टिकेशन कैसी थी, अर्ली ह्यूमंस बिगेन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। अब क्या क्या थी, सेम टू सेम जो पहले थी, पैलियोलिथिक में शिप, कैट, गोट्स, कैटल, डॉग्स, किस चीज के लिए, फूड, लेबर एंड कंपेनियनशिप, मतलब दोस्त, जैसे हमारे डॉग्स जो दोस्त होते हैं तो उनके लिए भी सेम था, है ना, कहीं जाते थे शिकार पे साथ में लेके जाते थे, तो ये सब चीजें हैं। टूल डेवलपमेंट, टूल में क्या कहती, टूल्स बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड, टूल और एडवांस्ड हो गया था, क्रिएशन, क्योंकि क्रिएशन ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स हुई थी, पॉटरी आई थी मार्केट में, मतलब जो भी घड़े वड़े वगैरह, टेक्सटाइल आया था, कपड़े उपड़े, दीज वेर यूज फॉर फार्मिंग, हंटिंग एंड डेली एक्टिविटीज। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, द नियोलिथिक पीरियड सॉ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स विद द इमर्जेंस ऑफ लीडरशिप। अब यहां पे क्या, लीडरशिप, सोशल हायरार्कीज एंड फर्स्ट नॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। अब यहाँ पे क्या, लीडरशिप आई थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या था, लीडरशिप, सोशल हायरार्की मतलब पापा का लड़का, ग्रैंडसन का, मतलब सॉरी पापा का लड़का ग्रैंडसन नहीं, मतलब ग्रैंड फादर का जो ग्रैंडफादर, आपके जो ग्रैंडफादर रहेंगे तो आप उनके ग्रैंडसन बने, तो ये चीज को हायरार्की बोलते हैं, आपके फादर, आपके फादर के फादर, है ना, तो ये चीज है। तो इस समय पे ये सोशल हायरार्कीज थी, लीडरशिप बनी थी और गवर्नेंस हुई थी, मतलब मुखिया उखिया भी बनाए गए थे इस समय पे। आर्किटेक्चरल क्या थी इसकी, परमानेंट ड्वेलिंग्स
बिल्ट फ्रॉम मटेरियल्स लाइक मड ब्रिक, मड ब्रिक का यूज हुआ था परमानेंट सेटलमेंट के लिए, स्टोन का यूज हुआ था. नियोलिथिक पीपल ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड लार्ज कम्युनल बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स सच एज स्टोन सर्कल्स, टूम्स एंड स्टोन हिंज, जिसको कहते हैं स्टोन हिंज. मतलब जैसे मान के टेम्पल्स बना दिया कुछ, उन्होंने मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर बना दिया जहाँ पे स्टोन सर्कल्स बना दिए, मतलब खाने होने के लिए जैसे गाय भैंस के, आप बैठने के लिए, थोड़ा लोगों के साथ बात करने के लिए, ये सब चीजें यहाँ पे हुई थी. आर्ट एंड रिलीजन क्या था, देखिए आर्ट एंड सिंबलिज्म फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओपन डिपिक्टिंग एग्रीकल्चर एंड फर्टिलिटी थीम्स. अब आर्ट इसमें क्या थी, आर्ट में ये लोग जो बनाते थे वो क्या, इनकी जो मेन चीज थी एग्रीकल्चरल, ठीक है, तो एग्रीकल्चर को ये लोग दर्शाते थे अपने आर्ट में. द बिलीफ सिस्टम्स ऑफ नियोलिथिक पीपल इंक्लूडेड रिचुअल्स एंड ब्यूरियल प्रैक्टिसेस. तो इनका जो बिलीफ सिस्टम था क्या था, ये रिचुअल्स को मानते, जैसे पेड़ पौधों को प्यार करना, नदियों को प्यार करना, पूजा का पाठ करना, ये सब करना. तो इसी वजह से इनकी लाइफ भी अच्छी थी और हमारे तरह नहीं थी, जैसे कोरोना आ गया है हम लोग, क्योंकि हमारे वजह से आया था तो ठीक है, तो हमें भी थोड़ा सा अगर हम प्यार मोहब्बत से रहे नेचर के साथ में तो नेचर भी हमें देखेगा, ठीक है. तो ब्यूरियल प्रैक्टिस मतलब मुर्दों को मतलब गाड़ना वगैरह, इंडिकेटिंग अ बिलीफ इन द आफ्टर लाइफ, ठीक है. ये लोग मानते भी थे कि इसके बाद में अगर हम लोग ऐसे अच्छे से रिचुअल्स करेंगे, ब्यूरियल करेंगे और ये चीज मानेंगे तो हमारे आफ्टर लाइफ पुनर्जन्म भी हो सकती है और फिर पुनर्जन्म अच्छी भी हो सकती है, ठीक है. तो ये बिलीफ था उनका एक, ठीक है. तो ये आपका नियोलिथिक के बारे में हमने कवर अप कर लिया. अब आते हैं मिजोलिथिक पीरियड में. मिजोलिथिक में सबसे इजी और सबसे आसान तरह से देखेंगे, ये भी हम लोग बहुत ही आसान है. द मिजोलिथिक पीरियड ऑल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज. तो अब देखिए मिडिल स्टोन एज में थोड़ा सा बैक चले जाएंगे हम लोग नियोलिथिक से, तो मिडिल स्टोन एज को हम लोग कवर अप कर सकते हैं. एज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलोलिथिक एंड नियोलिथिक, नियोलिथिक और पैलोलिथिक बीच की बात है. इसका डेटिंग कब से हुआ है, 10,000 BC तो 8,000 BC, जैसे पीछे से हम लोग जाएंगे ना तो ये ज्यादा डेट बढ़ता रहता है ये वाला डेट, और आगे आते रहेंगे तो ये डेट कम घटता रहता है. तो ये डिफरेंस है, ठीक है. बाद में इसकी एक कैलकुलेशन भी, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा. मिसलिनियस में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जो प्लेलिस्ट है मिसलिनियस में आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी मिलने शुरू हो जाएंगे. अभी जैसे हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे, हर एक चैप्टर के बेसिस पे कितना क्या क्वेश्चन बन सकता है उस बेसिस पे हम लोग वहां पे भी कवर अप करेंगे. तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और प्यार बांटिए ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए ला पाऊं, ठीक है. The Mesolithic period is characterized by changes in lifestyle due to the end of last ice age. अब क्योंकि इसमें चेंज क्यों आया, क्योंकि आइस एज खत्म हो रही थी, ठीक है, which led to significant shifts in climate and environment, जिसके कारण से क्लाइमेट और environment भी चेंज हो रही थी, तो इसी वजह से क्या हुआ, lifestyle भी चेंज हो रही थी, ठीक है. अब Mesolithic period के कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे. Hunter and gatherer societies कैसी थी. People during Mesolithic period continued to rely on hunting. अभी भी लोग hunting में rely करते थे, भरोसा करते थे. फिशिंग एंड गैदरिंग बट दे बिकेम मोर स्पेशलाइज्ड एंड एफिशिएंट इन देयर मेथड्स. पर इनकी मेथड्स चेंज हो गई थी, ठीक है. दे हंटेड स्मॉलर गेम लाइक डियर एंड बोर एंड फिनिश्ड मोर इंटेंसिवली. तो ये लोग छोटे छोटे एनिमल को हंट करते थे और जल्दी से जल्दी करते थे जी, क्योंकि इनके पास में टूल्स आ चुकी थी अच्छे. माइक्रोलिथ्स, देखिए माइक्रोलिथ्स के बारे में देख लेते हैं. वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव इनोवेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोलिथ्स. माइक्रोलिथ्स क्या है, इस टाइम पे स्मॉल फाइनली वर्क्ड स्टोन टूल्स दैट वर ऑफन यूज्ड इन कंपोजिट टूल्स सच एज स्पीयर और एरोस. दिस टूल्स वर लाइटर एंड मोर इफेक्टिव फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट दैट ग्रू आफ्टर द आइस एज. आइस एज के बाद में माइक्रोलिथ्स आए. माइक्रोलिथ्स मतलब क्या होता है कि बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही कंपोजिट, बहुत ही छोटा, बहुत ही शानदार, ठीक है, और हल्की, ये वेपन्स उन्होंने चालू की थी. इन चीजों को बोलते हैं माइक्रोलिथ्स. एनवायरमेंट चेंज क्या हुआ था उस समय देखते हैं. द एंड ऑफ आइस एज, आइस एज खत्म हो गया था, मतलब बर्फ जो थी, हम लोग इंडिया बनी थी जब बर्फ वर्फ थी, उस समय खत्म होने लगी, कि सेटलमेंट होने लगे. ये जब आइस एज खत्म हुई तो गर्म टेम्परेचर्स होने लगी, वार्मर टेम्परेचर्स, एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट इन मेनी रीजन, जिसके कारण से फॉरेस्ट रीजन आने लगे, ठीक है, रिप्लेसिंग द तुंद्रा. तुंद्रा चीज को, तुंद्रा और ये सब वगैरह, तुंद्रा वेजिटेशन जो है थोड़ा सा मतलब क्या, सूखा टाइप का जो पहाड़ों में, जैसे जिसके कारण से आपका जो भी हायर ऑल्टीट्यूड्स में जो होते हैं उनको तुंद्रा बोलते हैं, तुंद्रा वेजिटेशन. तो ये रिड्यूस होने, रिप्लेस करने लगे थे ये लोग, फॉरेस्ट बनने लगी थी, नए नए अच्छे अच्छे पेड़ पौधे बनने लगे थे, जो कि वार्मर रीजन या फिर जो टेम्परेचर परफेक्ट टेम्परेचर होती थी उस समय पे, उसको सूटेबल, उसके साथ में जो सूटेड थी वो वाले पेड़ होने लगे थे. ह्यूमंस अडॉप्टेड टू दिस न्यू एनवायरमेंट बाय चेंजिंग देयर हंटिंग स्ट्रेटजीज एंड एक्सप्लोइटिंग न्यू रिसोर्सेज सच एज नट्स, बेरीज एंड एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक. अब होता क्या है कि इसके बाद में ह्यूमंस ने जो था ये एनवायरनमेंट चेंज की वजह से अपनी हंटिंग की स्ट्रेटजीज भी इन्होंने चेंज की. उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, मतलब यूज करना शुरू किया नया रिसोर्सेज, जैसे कि खाने पीने का सामान, जैसे नट्स हो गए, बेरी हो गए, एक्वाटिक लाइफ से भी जैसे फिश वगैरह पकड़ना, वो सब चालू किया था इन्होंने. अब सेटलमेंट कैसी थी इनकी देखते हैं. व्हाइल मेसोलिथिक पीपल वर स्टिल लार्जली नोमैडिक, अभी भी ये लोग नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे, देयर इज एविडेंस
ऑफ मोर सेमी परमानेंट कैंप्स। अब सेमी परमानेंट कैंप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इस जगह पे मिजोलिथिक प्रीमा। सेमी परमानेंट कैंप मतलब मान के चलो कि मतलब सीजनल वाइज 6 महीना यहाँ रहे, 6 महीना कहीं और चले गए, ठीक है। एंड सीजनल सेटलमेंट्स, देखे मैंने बताया अभी सीजनल सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ ये लोग सेटल करते थे, रिवर्स के बगल में, लेक्स के बगल में, कोस्ट के बगल में, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपके एक्वाटिक का जो भी फिश वगैरह मिलना इनको सुविधा होता था, आपके एग्रीकल्चर में इनको सुविधा होती थी, ठीक है। लेक से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, कोस्ट में लोग ट्रेड तो नहीं करते थे फिर भी कोस्ट में जाते थे अगर पकड़ने उकड़ने के लिए मछली वगैरह, ठीक है। दीज एरियाज वेर प्रोवाइडेड रिलायबल फूड रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे फूड रिसोर्सेज आपका बहुत अच्छा था, ठीक है। अब आर्ट देखते हैं यहाँ पे, मिजोलिथिक आर्ट इंक्लूड्स केव पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स, कार्विंग मतलब खुदाई करना, केव पेंटिंग्स कार्विंग्स यहाँ पे मिलती थी। दो इट बिकेम लेस फोकस्ड ऑन लार्ज एनिमल्स कॉमन पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड में क्या करते थे कि बड़े बड़े एनिमल को लोग पिक्चर चित्रित करते थे, पर अभी ये लोग इस चीजों को फोकस नहीं करते थे ज्यादा मिजोलिथिक में। एंड मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ ह्यूमन फिगर्स, यहाँ पे ज्यादातर रिफ्लेक्टिव ह्यूमन फिगर्स को करते थे, जैसे मैं बताऊंगा अभी, डेली एक्टिविटीज एंड सिंबलिक एक्सप्रेशन, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिचुअल प्रैक्टिस, जैसे कभी आपने देखा होगा अगर देखते हैं कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे इमेज देखे होंगे, ऐसे ये जैसे जैसे हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, मतलब यहाँ पे आंख जल रही है, ठीक है, ऐसे आंख जल रही है, ये यहाँ पे और आदमी दो चार, यहाँ पे और आदमी, तो गोल गोल मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, खुशी के मारे आंख के बगल में वो, मतलब ठंडी के मारे या फिर खुशी के मारे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इससे हम पता चलता है, देखा भी होगा आपने बहुत सारे इमेज के पेंटिंग्स में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये चीज वहां पे हुआ करती थी, और वो लोग जो ब्यूरियल प्रैक्टिस करते थे या फिर जो पूजा पाठ करते थे नेचर्स की, वो लोग इनको भी अपने इमेजेस में या फिर आपके जो भी ड्राइंग्स में या फिर जो केव पेंटिंग केव पेंटिंग्स में या फिर केव क्रेविंग्स में ये लोग दिखाते थे, है ना। बाकी और यहाँ पे कुछ नहीं है समझने को। डोमेस्टिकेशन क्या थी यहाँ पे, दो नॉट येट फुल फ्लेश्ड फार्मर्स लेटर लेट मेजोलिथिक पीपल बिगन एक्सपेरिमेंटिंग विथ द अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेटिंग द स्टेज फॉर नियोलिथिक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। डॉग्स वेर एमंग द फर्स्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पे भी डॉग्स जो था, जो फर्स्ट एनिमल था जो डोमेस्टिक इन्होंने करना शुरू किया, ठीक है। ये लोग फुल फ्लेज्ड फार्मर्स तो थे नहीं, फिर भी ये लोग का जो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स था, ये मतलब पता चलता था कि नियोलिथिक में भी इनका एक मतलब नियोलिथिक से मतलब नियोलिथिक में ये लोग एक रिवोल्यूशन लाने वाले थे या फिर नियोलिथिक में ये लोग अच्छे से चेंजेस लाने वाले थे, तो इन्होंने लाया भी था, क्योंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के कारण से नियोलिथिक पीरियड में बहुत सारे मेसोलिथिक से नियोलिथिक में जाने डेवलपमेंट होने का भी एक कारण ये भी बताया जाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से काफी चेंजेस आई थी, हमने नियोलिथिक में भी पढ़ा है, ठीक है। तो यही बस है यहाँ पे इस चैप्टर में, और कुछ है नहीं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। बाकी आप पीडीएफ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं, पूरी स्टोरी देख लीजिए आप, इसकी स्टोरी के फॉर्मेट से आप इसको समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो लोग कम समय देकर इग्नो में अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आप हैं, तो भरोसा रखिए और हमें सपोर्ट करती रहिए, प्यार दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। और चैनल में नए हैं तो मेरे दोस्त जो भी आप लोग नए हैं, प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हमारा यूनिट फोर जो है कवर अप हो गया, ठीक है। पढ़ लीजिए, या कोई दिक्कत है तो मेरे से कांटेक्ट करिए, मेरा मोबाइल नंबर है 7550, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7508944833, ये मेरा नंबर है, आप इसमें मेरे से व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से कोई भी आपकी जो भी जानकारी है ले सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगले पार्ट में, इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, बाय बाय, धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यार बांटिए, आपके लिए अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट्स मैं लेके आऊंगा, और अगर आप थोड़ा सा प्यार दिखाएं तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलती है यार। थैंक यू, जय हिंद।